और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। एमपीसीआरए जहां पर कमलनाथ का सीएम शिवराज को खत लिखा गया है। भोपाल बालिका गृह में व्यभिचार मामले की घटना को लेकर उन्होंने खत लिखा है। प्रदेश में पिछले 10 साल में एनजीओ के नाम पर हजारों संस्थाएं खुली हैं। पंजीकृत एनजीओ की सूची सार्वजनिक हो इस बात की मांग की गई है और अपंजीकृत संस्थाओं का निरीक्षण किया जाए इस बात का जिक्र इस पत्र में किया गया है और किन अपंजीकृत संस्थाओं को सरकारी अनुदान मिला है इस बात की भी जानकारी मांगी गई है और जिन संस्थाओं को सहायता मिल रही है वो सार्वजनिक हो और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जिस तरीके से भोपाल बालिका संरक्षण गृह में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी और एक जगह से दो बच्चियों के गायब होने की खबर आई थी, ऐसे में एमपी पीसीसी चीफ ने मुख्यमंत्री को खत लिखा। ये वही खत आप देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य में कितने ऐसे एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए और जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनकी भी जो जानकारी है वो दी जाए, उनके निरीक्षण किए जाए और सरकार की तरफ से इनको कितना अनुदान मिलता है इस बात की भी जानकारी सार्वजनिक तौर पर किए जाएं, क्योंकि ऐसे ही एक एनजीओ से यह खबर आई जहां पर मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया था और ये भी खबर आई थी वहां पर और भी कई लड़कियां हैं जो डर के मारे नहीं बोलती थीं। इसको लेकर अब एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को यह खत लिखा है और इसमें ये सारी डिमांड की गई है कि जो भी ऐसे एनजीओ हैं जो बालिका संरक्षण गृह चलाते हैं उसकी जाँच कराई जाए, जो रजिस्टर्ड हैं उनको सार्वजनिक किया जाए कि हाँ भाई ये एनजीओ हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, इनको सरकार की तरफ से अनुमति मिली है बालिका संरक्षण गृह चलाने की, उनको सार्वजनिक किया जाए और साथ साथ जो रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं हैं, जो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके बारे में भी जानकारी मांगी गई है कि क्या इनको सरकार तरफ से अनुदान मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद से अब हर किसी के अंदर नाराजगी है और कांग्रेस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को खत लिखा है। लगातार ऐसे मामले अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, बिहार से मामला शुरू हुआ, बिहार के बाद यूपी में, अब एमपी से भी ऐसी खबर आ रही है जहां पर बालिका संरक्षण गृह में बालिकाएं ही सुरक्षित नहीं हैं और वो लोग जो इन अनाथ बच्चों को अपने यहाँ संरक्षण देते हैं उनके हितैषी होने की बात करते हैं उन्हीं से ये बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के एमपी चीफ ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है और उनसे इस खत के माध्यम से जानकारी मांगी है कि राज्य में कितने ऐसे संस्थान हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, कम से कम जनता के सामने हो कि हाँ भाई ये एनजीओ हैं जिनको सरकारी अनुदान मिलता है, ये रजिस्टर्ड हैं और ये बालिका संरक्षण गृह चलाते हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए और जो संस्थाएँ रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके बारे भी सार्वजनिक जानकारी दी जाए। तो ये वो खत है, ये वही खत है जिसको कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा है और इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर निवेदन किया है कि भाई जो भी महिला हॉस्टल में रहती हैं, ऐसी संस्थाएं जो चलाती हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।